हेलो फ्रेंड्स, तो इस प्रॉब्लम में हमें दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ए और बी। कहा गया है एट टी इज इक्वल टू जीरो ए ओरिजिन पर है और बी नेगेटिव वाई एक्सिस पर है एट अ डिस्टेंस डी। हमसे पूछा गया है कि अगर ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और बी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है विथ रेस्पेक्टिव स्पीड्स यू एंड वी, हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों का ए और बी का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा ये बताना है। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। मेथड वन एकदम टिपिकल मैथमेटिकल मेथड है। उसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे टाइम टी के बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच गया और ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ut और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा d माइनस vt, क्योंकि d vt डिस्टेंस ऊपर चला गया, टोटल d था तो बचा कितना d माइनस vt, d माइनस vt और ये आगे चला गया ut। तो ये हो गया दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन। सेपरेशन कितना हो गया, इसको अगर मैं सेपरेशन को L बोल दूं तो L हो गया अंडर रूट ऑफ यू टी का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस वी टी का होल स्क्वायर। हमें चाहिए कि L मिनिमम हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि ये L मिनिमम हो तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द मिनिमा बाय मेकिंग dl बाय dt इक्वल्स टू जीरो। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन में कितनी मेहनत है। पहले तो हम dl बाय dt इक्वल्स टू जीरो करेंगे, इससे हमें टाइम मिलेगा, उस टाइम को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे हमें l की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, काफी कैलकुलेशन होगी, काफी टाइम लगेगा। तो ये मेथड वन तो उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हाँ इससे आंसर आएगा। और अगर यू और D और V की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो तो ये वाला क्वेश्चन भी तरीका भी अच्छे से काम करेगा। पर हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और अच्छा तरीका है। हम क्या बोलेंगे कि लेट्स से A रेस्ट पर है। A रेस्ट पर कैसे रह सकता है, इफ वी गो टू द रेफरेंस फ्रेम ऑफ A, तो हम चले जाते हैं इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए। अगर हम ए के रेफरेंस फ्रेम में चले गए तो ए तो हो गया रेस्ट पर। बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू बी की वेलोसिटी है वी जे कैप माइनस ए की वेलोसिटी है यू आई कैप। तो B की वेलोसिटी क्या हो गई, वी जे कैप माइनस यू आई कैप, तो नेट वेलोसिटी B की हो गई कुछ ऐसी। A रेस्ट पर है और B ऐसे जा रहा है, हमें क्या चाहिए A और B के बीच में मिनिमम सेपरेशन। A रेस्ट पर है और B इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है, तो मुझे अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है A और B के बीच में तो बेसिकली मुझे ए का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। इस लाइन से ए का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर। किसी पॉइंट का किसी लाइन से मिनिमम डिस्टेंस क्या होता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल थीटा है, तो मैं कह सकता हूं कि tan थीटा इक्वल्स टू यू बाय वी। और अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, मान लेता हूं ये डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है, मुझे निकालना है ये P, तो P कैसे आएगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखिए, ये डिस्टेंस AB क्या है, हाइपोटेनियस है, राइट एंगल का अपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेनियस। ये वाला एंगल थीटा है, तो P क्या हो जाएगा, थीटा का अपोजिट साइड,
पी हो जाएगा, अगर हम उस ट्राइंगल को देखें तो पी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। आप देख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस पी बाय डी, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय डी, इसलिए पी हो गया डी साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता चल गई डी साइन थीटा, बस थीटा निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन थीटा तो हमारे पास है ही है, ट्राइंगल बनाते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, ये यू है, ये वी है, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो साइन थीटा हो जाएगा यू अपॉन अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू डी इंटू यू अपॉन अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये मेथड डेफिनेटली बहुत ज्यादा फास्ट है इन कंपेरिजन टू दिस मेथड। पहले वाले मेथड में क्या किया था हमने, हमने टाइम टी पर बी की पोजीशन निकाली, टाइम टी पर ए की पोजीशन निकाली, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाला और उस डिस्टेंस का मिनिमा निकाला। सेकंड मेथड में क्या किया, हम ए के रेफरेंस फ्रेम पे चले गए, बी का पाथ निकाला, उस पाथ का ए से मिनिमम डिस्टेंस निकाल लिया। सेकंड मेथड डेफिनेटली बेटर है। थैंक यू।